साल 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल में राजनीति और भी गर्म होने वाली है। भाजपा कांग्रेस को प्रदेश में टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी अब दिल्ली पंजाब के बाद हिमाचल का रुख करने लगी है। आम आदमी पार्टी की दस्तक से अब हिमाचल के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक है कि हर विधानसभा क्षेत्र में नए नए चेहरे प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के गढ़ कसौली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है। वरिष्ठ भाजपा नेता हरमेल धीमान ने आप पार्टी ज्वाइन करके कसौली से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। वहीं कसौली विधानसभा में उभरते नए प्रत्याशी चेहरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जिस तरह से मेलों में कुश्ती का ढोल बजता है और पहलवान बाजू चढ़ाकर सामने आते हैं, उसी तरह इस बार चुनावों से पहले कसौली में प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्र में जो भी कोई आए, लेकिन कसौली की जनता भाजपा का ही साथ देगी। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से कसौली विधानसभा में लोगों के बीच जाकर उनके कार्य कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा के पक्ष में ही लोग हैं। अंतिम वर्ष जो है ये बहुत गहमा गहमी का दौर होता है, और ये अंतिम वर्ष में ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो 5 साल कहीं देखे नहीं जाते। और आपने देखा होगा जब कुश्ती का ढोल बजता है, जो जिसको कुश्ती नहीं भी लड़नी आती तो उसकी भी बाजुएं जो हैं वो कुश्ती लड़ने के लिए फड़फड़ा जाती हैं। तो ऐसे कई जो हैं पहलवान मैदान में आ रहे हैं जिनका मैंने भी पहले दर्शन नहीं किया, वो भी आ रहे हैं। चलो स्वागत है भाई, मेला है और ऐसे लोग भी आएंगे, परंतु जनता बहुत समझदार है। हम तो 15 वर्ष जो हमारा राजनीतिक जीवन है लोगों के बीच में, हमने लोगों के साथ रह करके एक संबंध हमारा लोगों के साथ स्थापित हुआ है, तो हमारी तो वो 15 वर्ष की जो नींव है हम उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है वो नहीं गया है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। बाकी उसके बारे में तो वही कोई टिप्पणी कर सकते हैं। साल 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल में राजनीति और भी गर्म होने वाली है। भाजपा कांग्रेस को प्रदेश में टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी अब दिल्ली पंजाब के बाद हिमाचल का रुख करने लगी है। आम आदमी पार्टी की दस्तक से अब हिमाचल के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक है कि हर विधानसभा क्षेत्र में नए नए चेहरे प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के गढ़ कसौली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है। वरिष्ठ भाजपा नेता हरमेल धीमान ने आप पार्टी ज्वाइन करके कसौली से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। वहीं कसौली विधानसभा में उभरते नए प्रत्याशी चेहरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जिस तरह से मेलों में कुश्ती का ढोल बजता है और पहलवान बाजू चढ़ाकर सामने आते हैं, उसी तरह इस बार चुनावों से पहले कसौली में प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्र में जो भी कोई आए, लेकिन कसौली की जनता भाजपा का ही साथ देगी। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से कसौली विधानसभा में लोगों के बीच जाकर उनके कार्य कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा के पक्ष में ही लोग हैं। अंतिम वर्ष जो है ये बहुत गहमा गहमी का दौर होता है, और ये अंतिम वर्ष में ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो 5 साल कहीं देखे नहीं जाते। और आपने देखा होगा जब कुश्ती का ढोल बजता है, जो जिसको कुश्ती नहीं भी लड़नी आती तो उसकी भी बाजुएं जो हैं वो कुश्ती लड़ने के लिए फड़फड़ा जाती हैं। तो ऐसे कई जो हैं पहलवान मैदान में आ रहे हैं जिनका मैंने भी पहले दर्शन नहीं किया, वो भी आ रहे हैं। चलो स्वागत है भाई, मेला है और ऐसे लोग भी आएंगे, परंतु जनता बहुत समझदार है। हम तो 15 वर्ष जो हमारा राजनीतिक जीवन है लोगों के बीच में, हमने लोगों के साथ रह करके एक संबंध हमारा लोगों के साथ स्थापित हुआ है, तो हमारी तो वो 15 वर्ष की जो नींव है हम उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है वो नहीं गया है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। बाकी उसके बारे में तो वही कोई टिप्पणी कर सकते हैं।